नाजरीन अब खबरें जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपना इजहार ख्याल पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं हैं, यहाँ तक कि हमने इसे माजी में पंचायत और दीगर इलाकों में लागू किया था। हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं और निचली सतह की सूरत हाल को कबूल करने के लिए वह तैयार नहीं है। हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर। हम वुमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है, नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो एनसी का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे आप वुमेन वो... तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इतनी हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई सा भी कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें वुमेन्स विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। कही क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे J&K पुलिस का DYSP, एक और जवान, चार लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास ज़रूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नज़र आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस्मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पर फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ज़िला बारामूला के कंजर में वाक़ हिजाम मोहल्ला तरहाम के मकामियों ने आज पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर महकमाए जल शक्ति के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि वह पानी की पाइपलाइन के हुसूल के लिए लगातार महकमे के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अफसर ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। बता दें कि एहतजाज करने वालों ने LG इंतजामिया से अपील की है कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। वो ये सोन हाल बिदाद कि ये चार वर्ष कोकर पूतिस बनान त्रेश ये आज गई 5 वरी ये सर्विस लोन अडलिच न कि तथ लगन पाइप 15 मर सो यमो डिस्पूट अति नस आब दाज छछ कतर नम जवान करान मसूरात करान सान माज बेनि छे यम कतिस गसन 2 किलोमीटरन छ इमन गसन आबस पेटिंग न कि त्रेश सुम छ नस यति आब प्योर किया। हमारा ये माला जो है हमें बहुत अफसोस है, 21वीं सदी में भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है, जबकि रोज हम सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ काम करता है, लेकिन हमारा ये गरीब माला, खासकर हमारा गाँव जो है बहुत बिजड़ा हुआ है। हमारा गांव जो है हरी सिंह के वक्त में यहाँ हाई स्कूल था, उसके बाद यहाँ हमारे गांव में कोई तरक्की ही नहीं हुई है। किस करे, कहीं आग लगेगा कुछ नहीं बचेगा। इधर हमें पीने के लिए पानी नहीं है, चरवाहों के लिए पानी नहीं है, परिंदे बेचारे तरस रहे हैं पानी के लिए। तंगमर्ग इलाके के गाँव हीर बटनों में तरक्याती काम जोरों पर है, जिसकी खुशी में वहाँ की आवाम बैंड बाजा और मिठाई के साथ जश्न मना रही है। इलाके के मकामियों का कहना है कि PM नरेंद्र मोदी की कोशिशों से आज 70 साल बाद गांव में तरक्की का जश्न मनाया गया है। आवाम का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने उन्हें आज तक नज़रअंदाज किया, लेकिन LG इंतजामिया में इनकी तरक्की के मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी फैन क्लब के इंचार्ज गुलजार अहमद ने कहा कि वह और उनकी पार्टी गरीब तबकात के लिए आखिरी सांस तक काम करेगी।
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ड्यूकॉम साहब का और एडिशनल ड्यूकॉम साहब का जो सर्वर साहब है। पिछले 70 सालों से आज तक ऐसी कोई काम नहीं हुआ यहाँ। ये पिछले 50 साल का डिमांड है यहाँ के लोगों की। ये गवर्नमेंट एक अदारा है। ये जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आए तब से बैक टू विलेज प्रोग्राम हमने रखा, मगर जब भी हम बैक टू विलेज प्रोग्राम करते आधा किलोमीटर गाड़ी तो दूर रहते। आज जब मुझे पता चला और यहाँ के लोग हमारे पास आए, किसी का एहसान तो नहीं किया, मैंने अपना फ़र्ज नहीं निभाया और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो आज चल रहा है, साफ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई रिश्वत नहीं, कोई धांधली नहीं। जो LG साहब है आज मनोज सिन्हा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं ड्यूकॉम साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ और LG एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि ये हमारा नारा है, सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, और गरीबों बेवों मोहताजों और मिस्कीनों का हम खिदमत गुजार हम हाजिर है। सर साहब के वजह से कि आज 30 साल के बाद गुलजार साहब ने जो यहाँ काम करके दिखाया, हम बहुत बहुत खुश है कि हम इजहार ही नहीं करते कि हम आज कितना खुश है कि सिर्फ के गुलजार साहब के वजह से आज तक यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया कि हम इसके मतलब खुशी मना रहे हैं LG साहब का, गुलजार साहब का, DC साहब का, सबको हम मतलब अपने हद तक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम आज बहुत खुश है। लाया इलेक्ट्रॉनिक पोल, लाया इसने ये, लाया इसने रोड लाया, इसने पंचायत तक रोड लाया, हमें यकीन है ये कुछ करके दिखाएगा।